हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे लगभग 10 दिन हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोगों के मन में एक सवाल रहेगा, क्या मैं यूट्यूब छोड़ दिया हूँ? तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, इस 10 दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो मुसीबत क्या था, वो यूट्यूब रिलेटेड था या दूसरा कोई था, सारी चीज़ आज के वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन घंटे प्रेस करके वो आप सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे ये जो फ़ोन है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये जो दोस्तों फ़ोन है मेरा रेडमी फ़ोन है। तो दोस्तों, सिंपली ये में हो गया लगभग 2 साल 3-4 साल हो गया। तो सिंपली दोस्तों, इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं जब इस फ़ोन को दोस्तों कुछ कर रहा था, फ़ोन में ब्राउजिंग या कुछ कर रहा था, देख रहा था, तो दोस्तों फ़ोन जो है अचानक से ऑफ़ हो गया, पूरा दोस्तों टर्न ऑफ हो गया और फ़ोन दोस्तों जो है बूट नहीं हो रहा था। तो इस फ़ोन में मेरा ऑल डेटाज है, सारे जितने भी डेटाज है यूट्यूब रिलेटेड या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस फ़ोन में ही मेरा है। तो दोस्तों, लास्ट में क्या करना पड़ा, मुझे इस फ़ोन को दोस्तों रिस्टोर सेटिंग करना पड़ा। यानी कि आप लोग जानते होंगे रिस्टोर सेटिंग जब हम लोग करते हैं, तो तब दोस्तों फ़ोन में जितने भी आपके एप्लीकेशन या जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं वो सारे जो दोस्तों चला जाता है, डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सारे जितने भी चीज़ थे, मैं BuzzyX में कुछ जो है पैसा लगाया था, उसका दोस्तों मैं जो है 2FA जो है ऑथेंटिकेटर वो भी मैं लगाया था। दोस्तों सारे चीज़ जो है दोस्तों मैं कोई भी बैकअप नहीं लिया था और सारे चीज़ दोस्तों मेरे फ़ोन से दोस्तों चला गया था और दोस्तों मैं कोई भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, मैं YouTube चैनल को जो है ओपन किया था, मेरा उसका पासवर्ड सारे चीज़ याद था, लेकिन दोस्तों और भी जो मेरे कुछ जीमेल आईडीज थे वो दोस्तों मैं ओपन नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों सिंपली जीमेल आईडी क्या थे वो मैं भूल गया था। तो सिंपली दोस्तों इसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिला। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आप लोग पासवर्ड को दोस्तों जो है अगर आप लोग फॉरगेट भूल जाते हो पासवर्ड, तो आप लोग दोस्तों उसको रीसेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग नहीं जानते होंगे कि दोस्तों अगर आप लोग आपके जो जीमेल आईडी है वो आप लोग भूल जाते हो, तो दोस्तों उसको भी आप लोग पता कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चीज़ भी मुझे सीखने को मिला। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कभी, जो आप लोग को बताऊंगा अगर आप लोग जीमेल आईडी भूल जाते हो कैसे आप लोग उसको पता कर सकते हो। तो दोस्तों, और दूसरा जो है BuzzyX पर मैंने कुछ ही पैसा जो है लगाया था। सिंपली दोस्तों, उसमें क्या हुआ, मैं गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर लगाया था, जो दोस्तों और भी ज़्यादा सिक्योर कर देता है आपके अकाउंट को। तो सिंपली दोस्तों क्या हुआ, मैं उसका जो है एक क्यूआर कोड था, एक क्यूआर कोड आता है और दोस्तों एक जो है ऑथेंटिकेटर की आता है। तो सिंपली दोस्तों उसको मैं जो है सेव करके नहीं रखा था, सेव दोस्तों फ़ोन में ही था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, लेकिन सारे जो दोस्तों फ़ोन में जब मैं रिस्टोर सेटिंग मारा, सारे चीज़ जो है चला गया था। तो दोस्तों, जब वहाँ पर से मैं जब ओपन कर रहा था, लेकिन वहाँ पर से जो है 2FA ऑथेंटिकेटर जो कोड आ रहा था वो मुझे नहीं मिला था, इसलिए दोस्तों मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्या करूँ। उसके बाद मैं BuzzyX टीम के साथ मैं कॉन्टैक्ट किया, चैट किया, तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया। तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा मैं कौन सी चैट किया था। तो दोस्तों, उन्होंने सॉल्यूशन बताया, मैं उस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो किया और फाइनली दोस्तों जो है रात 1 बजे उसी दिन जब मैं सारे प्रोसेस कंप्लीट किया, रात 2 बजे तक मैं दोस्तों सोया नहीं था। तो दोस्तों 2 बजे पर मेरे पास एक मेल आया, जो है आप इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है डायरेक्ट आप जो है आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। अब गूगल ऑथेंटिकेटर पर कोई भी दोस्तों जो है ऑथेंटिकेटर कोड नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है मेरे फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा, उसको एंटर करते ही मैं दोस्तों BuzzyX में एंटर कर सकती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं BuzzyX को ओपन किया और मैं दोस्तों जो है फिर से 2FA ऑथेंटिकेटर जो है मैं लगाया। उसके बाद दोस्तों उसका जो स्क्रीनशॉट मैं संभाल के मैं और एक जगह पर और एक दोस्तों मेरा एक और एक पेन ड्राइव है वहाँ पर मैं रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फाइनली दोस्तों सारे जो है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अपकमिंग टाइम में वीडियो मुझे दोस्तों और भी एक चीज़ सीखने को मिला, आप लोग जो है आपके जीमेल आईडी पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हो, उसके अलावा भी 2-स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग किस लिए लगाते हो, आप लोग अपने अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए लगाते हो। लेकिन दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन के अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है, अगर आप लोग उसका भी सिक्योरिटी ऑन करते हो, तो दोस्तों आपका जीमेल आईडी जो है और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, हैकर से बच सकता है आपकी जीमेल आईडी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला इस तादाद में, इस दौड़ में, इस रेस में आप लोग बोल सकते हो बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगा वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में दोस्तों वीडियो आएगा
जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो सपोर्ट जरूर से कीजिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन घंटे से प्रेस करके उसको सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना, आपके परिवार का ख्याल रखिएगा और खुद का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए, गुड बाय।